नमस्कार, यूपी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने बैनर चस्पा कर दिया है। उस बैनर पर लिख दिया है चेतावनी, यहां 288 धारा लागू है। इसका मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगाई हुई है, लेकिन उसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने धारा 288 लागू की है। यानी दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के अलावा किसी का भी प्रवेश वर्जित है। सिर्फ किसान ही इस क्षेत्र में आ सकते हैं। साथ ही दूसरी तरफ एक सीमा रेखा भी खींच दी गई है। दिल्ली से किसी को भी सीमा को पार करने की अनुमति नहीं है। किसानों का कहना है जब तक कोई निर्णय नहीं निकलता किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखना होगा कि आने वाली 3 तारीख को किसानों की वार्ता में क्या निष्कर्ष निकल पाता है। वहीं दूसरी तरफ किसानों की तरफ से कर्तव्य करते हुए चेतावनी दी जा रही है। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक बुजुर्ग ने बॉर्डर पर योग करके भी दिखाया। योग करने वाले बुजुर्ग की उम्र 80 साल बताई जा रही है। जी, आपने धारा 144 के विरोध में किसान यूनियन की तरफ से 288 लगाई गई है धारा, क्या मकसद है इस धारा के लगाने का? मकसद ये है कि आपस में टकराव ना हो, भाई पुलिस फोर्स उधर रहे, किसान इधर रहे, ये और इलीगल तरीके का कोई आदमी ना आवे तो चेतावनी लगा दी सर। जहाँ पे मीटिंग होती है हम इस धारा का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस धारा का इस्तेमाल आज से 88 में जब वोट क्लब पे बड़ा प्रदर्शन हुआ तो इस धारा का इस्तेमाल वहाँ पे भी हुआ। अब आप लोग क्या कोई बातचीत का दौर है यहाँ पे पुलिस के स्तर पर? दिल्ली पुलिस से तो कोई बात नहीं ना, पुलिस से हमारा कोई टकराव है? हमारा तो ये है कि सरकार से बातचीत है, सरकार कब बात करेगी, क्या होगा, तो किस जान में 3 तारीख में लगा है कि सरकार बातचीत करेगी। अच्छा, आपने यहाँ लाल डोरा तो लगा दिया है, लग रहा है कि अभी लाल डोरा का मकसद क्या है? लाल डोरे से ये है कि इससे इनके किसान ना जाए, जब पुनः बताया जाएगा तो जब भी हो जाएंगे। लेकिन पुल के ऊपर तो ट्रैफिक जा रहा है, फिर उसे नहीं जा, हमारा ट्रैफिक थोड़ा रुक रहे हैं। हमारा जो जाने का रास्ता होगा वो यही है। तो जब 288 पिछली बार कब लगाई गई थी किसान यूनियन? ये तो लगाते रहे, हम इसका इस्तेमाल करते रहे। जब डीएम के यहाँ कोई लगावे, किसी जिले में 144 का इस्तेमाल होता है तो हम 288 का इस्तेमाल वहाँ पर कर लेते हैं। धन्यवाद। यूपी खबर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।